गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। टुडे आई विल राइट द क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ऑफ द जीके। द क्वेश्चन नंबर 5 इज अ डिफाइंड टर्म डेल्टा। डेल्टा के बारे में परिभाषित कीजिए। ए लैंड फॉर्म दैट इज अ फॉर्म्ड द माउथ ऑफ द रिवर वेयर दैट रिवर फ्लोज इन टू एन ओशन आर सीज कॉल्ड डेल्टा। द लैंड फॉर्म, ए लैंड फॉर्म, ऐसा लैंड फॉर्म दैट इज फॉर्म जो बनता है एट द माउथ ऑफ अ रिवर, किसी नदी के मुहाने पर। वेयर दैट रिवर फ्लोज इन टू एन ओशन, जहाँ पे नदी जो है समुद्र से मिलती है, आर सी या शी से, इज कॉल्ड डेल्टा, हम उसी को डेल्टा कहते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। सेलुलर रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में अंतर स्पष्ट करिए। आंसर नंबर, आंसर सेलुलर रेस्पायरेशन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू इनटू अ फॉर्म दैट द सेल कैन यूज एज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। द प्रोसेस बाय विच, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ग्लूकोज को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके, इंटू अ फॉर्म दैट द सेल, जिससे सेल कैन यूज एज एनर्जी, वो ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में उपयोग करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। ब्रीथिंग द मैकेनिज्म बाई विच ऑर्गेनिज्म इनहेल ऑक्सीजन, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट में उपस्थित है, एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, इज कॉल्ड ब्रीथिंग, जिसे श्वसन कहा जाता है। यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इन टू द फेयर कॉपी एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोट्स। थैंक यू।